अगर आपको भी ट्रैकिंग करने का शौक है या आप एडवेंचर का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो भोपाल की यूथ हॉस्टल एसोसिएशन नाम की संस्था आपको ये मौका जरूर देगी। संस्था में करीब 50 लोगों की संयुक्त टोली शहर के आसपास की अज्ञात जगहों पर जाती है ताकि इन स्थानों की जानकारी आम लोगों को भी हो सके। संस्था में लेक सिटी यूनिट भोपाल के सचिव संजय मधुप ने बताया, जो लोग प्रकृति प्रेमी या जिन्हें एडवेंचर या ट्रैकिंग का शौक होता है वे संस्था से संपर्क करते हैं। उन्होंने बताया, जर्मनी की संस्था 50 साल पहले भारत आई थी जबकि मैं करीब 20 साल पहले इस संस्था का सदस्य बना। संजय मधुप ने बताया, जो लोग ट्रैकिंग करना चाहते हैं उनसे मेंटेनेंस आदि का शुल्क लिया जाता है, साथ ही हम साइकिल ट्रैकिंग और बाइक ट्रैकिंग भी कराते हैं। इसमें शहर के अलावा प्रदेश के अन्य शहरों के लोग भी शामिल हो जाते हैं। संजय मधुप ने बताया, करीब 8 साल से लेकर 60 साल तक के लोग ट्रैकिंग के इच्छुक होते हैं, लेकिन खतरनाक स्थानों पर हम उन्हें ही ले जाते हैं जो पूरी तरह से फिट हों। उन्होंने बताया, गर्मी में नाइट ट्रैकिंग के दौरान जंगली जानवरों को देखते हुए हम शासन प्रशासन को अवगत करा देते हैं, साथ ही स्थानीय लोगों की भी मदद लेते हैं। जबकि जाड़ों में 8 से 10 बजे के दौरान सभी ट्रैकिंग को निकल जाते हैं। उन्होंने बताया, बारिश के सीजन में भी हमारी टीम घूमने के लिए निकल पड़ती है। ट्रैकिंग के दौरान हम साफ सफाई पर भी विशेष ध्यान देते हैं, साथ ही प्रदेश के टूरिज्म को भी प्रमोट करने के लिए हमारी टीम तत्पर रहती है। शहर से दूर जाने के लिए हम सैलानियों को बस की सेवा भी देते हैं। इस संस्था की प्रदेश भर में 25 से अधिक यूनिट हैं।